हरे कृष्णा। तो ये एक मिनी व्लॉग है हरिद्वार धाम यात्रा की। इसके बाद हम भगवान की कृपा से बद्रीनाथ धाम भी गए थे, तो उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट शॉट में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकल चुके हैं और ये आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है ये समय। उसके बाद हम लोगों ने बस पकड़ ली थी और इसके बाद हम निकल गए थे हरिद्वार यात्रा के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग मंगल आरती बस में ही कर रहे हैं डिवोटीज़ के एसोसिएशन में, और इसके बाद हमने बहुत सारा कीर्तन भी करा था। देन उसके बाद हम लोग अपने जो कंप्लीट हम अपने राउंड्स करने लग गए थे। हरिद्वार धाम यात्रा की जय। इसके बाद आप देख सकते हैं मैं कुछ स्नैक पा रही हूँ बस के अंदर ही। इसके बाद हमने गुरु पूजा शुरू कर दी थी, तो आप देख सकते हैं कितना आनंद होता है। यही बेनिफिट होता है जब हम डिवोटीज़ के साथ धाम यात्रा करते हैं। वैसे तो हम खुद भी जा सकते हैं, बट डिवोटीज़ के साथ जाने में एक अलग ही बात होती है, क्योंकि वो हमें स्मरण कराते हैं भगवान कृष्ण का। हम कीर्तन करते हुए जाते हैं, हम यात्रा में कथा करते हुए जाते हैं, बहुत सारे हम लेसन्स लेते हैं। बट अगर हम खुद जाएंगे तो हमें वो उतने नॉलेज भगवान के बारे में और उनकी कथा, उनका कीर्तन हम अकेले नहीं कर पाएंगे। तो बस अब हम जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम होटल पहुँच चुके हैं। यही होटल में हम अब 3-4 दिन के लिए रुकेंगे और यहाँ से हम पंडाल जाएंगे रेडी होकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ और बाकी भक्त भी सब रेडी हो गए थे। इसके बाद हम पंडाल में जाएंगे। ये है हमारा बहुत ही सुंदर पंडाल और गुरु महाराज हमें अपना एसोसिएशन देते हैं। इस यात्रा में बहुत ही सुंदर यात्रा थी। और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरि बोल।